फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनामियल के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पॉलिनामियल से दूसरे पॉलिनामियल को कैसे डिवाइड करना है। तो इसके लिए एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर आपको एक पॉलिनामियल है पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसे हमें क्यू ऑफ एक्स x माइनस 1 से डिवाइड करना हो तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवीजन का वही सिंपल प्रिंसिपल है, पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, जैसे आप एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिवाइड करने के लिए जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। तो डिविडेंड को लिखें, लेकिन डिविडेंड को पॉलिनोमियल की स्टाइल में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और जो डिवाइज़र है उसको भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर ऐसा आगे पीछे लिखा होगा तो हम उसे चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 2x बोला कि आपको इस पॉलिनोमियल को 7 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर को 3 प्लस 2x से डिवाइड करना है, तो पहले इसको आप सही ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, और इसको लिखेंगे आप 2x प्लस 3, फिर इससे आप इसको डिवाइड करना चालू करें। अब डिवीजन का प्रोसेस बहुत आसान है, आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कितने आसानी से हम करते हैं। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर हो जाए, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 3x स्क्वायर हो जाए, ये सोचो आप। तो x में 3x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाए, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 3x, तो ये हो जाएगा 3x इंटू x, 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे वहाँ डिवाइड करते हैं और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहाँ भी हम डिवाइड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 3x स्क्वायर कैंसिल x, और अब ये प्लस 3x बन गया है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, तब 4x माइनस 1, अब क्या मल्टीप्लाई करें इसको कि 4x हो जाए, तो अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4। अब फिर साइन चेंज करना है क्योंकि अब हमको हर बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 4x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस यो प्लस 3, ये जो 3 है इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहेंगे रिमाइंडर, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशेंट, इसको क्या कहेंगे, कोशेंट, इसको कहेंगे कोशेंट। अब आप कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने वहाँ पीछे एक केस लेते हैं, आपने 17 डिविडेंड है, 17 कौन है, डिविडेंड, डीडी कह दिया, डिविडेंड को डीडी, डिवाइजर को कह दिया डीएसआर। अगर आपने इसको डिवाइड किया 3 से तो क्या हो जाता है आपका, 3 से अगर आप 17 को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है आपके पास 3 × 5 = 15, और 15 के बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 क्या बचता है आपका, रिमाइंडर, इसको क्या कह दिया हमने, REM, रिमाइंडर, ये क्या बन गया आपका, ये है आपका कोशेंट, ये कोशेंट है। तो आप इसको 17 को कैसे लिखते हो, 17 को लिखने का तरीका देखो कैसा है आपका, 17 को लिखते हो आप 17 = कैसे लिखते हो, 3 × 5 + 2 लिख दो इसको, तो 17 को 3 × 5 + 2 लिखा आपने, इसका मतलब है कि 17 कौन है, डिविडेंड, देखते चलना है ना, 17 कौन है, डिविडेंड, 3 कौन है, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 5 कौन है, 5 कौन है, 5 है कोशेंट, प्लस 2 कौन है, 2 है आपका रिमाइंडर।
तो ये आपका आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपने पिछली क्लास के एग्जाम्पल में भी देखा होगा और हमने इस एग्जाम्पल में लेके आपको समझा भी दिया। अब आपको यही रूल यहाँ पे भी समझना है, यही रूल यहाँ पे भी समझना है। कैसा डिविडेंड कौन है आपका? 3x² + x - 1। और डिवाइजर कौन है आपका? x - 1। फिर इसके बाद कोशेंट कौन है? कोशेंट है 3x + 4। रिमाइंडर कौन है आपका? रिमाइंडर है +3। ये इसके बराबर हो गया। इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसको अगर वेरीफाई करना है आपको कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं आप इसको। x को मल्टीप्लाई कर दें इससे, किससे? बाजू वाले ब्रैकेट से। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 3x² + 4x - 3x - 4 + 3। 3x² 4x में से 3x गया तो x, -4 में से 3 गया तो -1। तो ये देखो इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज दिस। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कौन सा वाला रिजल्ट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर आप भूल जाओ तो इस वाले रिजल्ट को आप बना भी सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं बनाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 13 है, आपने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 1। तो अब आप लिखोगे कैसे 13 को कैसे लिखोगे? 2 × 6 + 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कभी भी आप नहीं भूलोगे इस वाली मेथड को। आप अप्लाई कर दोगे तो आपको ये हमेशा याद आ जाएगा कि ये करना कैसे। अब मैं आपको एक और पॉलीनोमियल लेके बताता हूँ जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये दूसरा पॉलीनोमियल है, इसमें हम जो डिवाइजर है उसकी डिग्री बढ़ा देंगे। तो देखिए आपके पास दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पी ऑफ एक्स ले लिया हमने 4x⁴ + x³ - 1, और क्यू ऑफ एक्स ले लिया हमने डिवाइड करने के लिए x² + 2 ले लिया। अब इससे हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का वही प्रोसेस जैसा हमारा था, यूजुअल प्रोसेस 4x⁴ + x³ - 1 डिवाइडेड बाय x² + 2। अब हम इसको क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x⁴ आ जाए? तो 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² × x² विल बिकम 4x⁴। 4 × 2 = 8x². अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बीइंग प्लस, यहाँ पर प्लस है, अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, 4x 4x 4 कैंसिल। सबसे पहले किसको लिखेंगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म को, x³ को। फिर कौन आ जाएगा आपके पास? -8x² -1। अब आप क्या करें, अब क्या मल्टीप्लाई करें x² में कि आपको क्या मिल जाएगा? x³ मिल जाए। तो x² में आप x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? x³ + 2x² फिर वही साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना। x³ कैंसिल, -2x² - 2x² क्या बन जाएगा? -10x² - 1। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि -10x² आए इसमें? तो अब -10 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा -10x² - 20। फिर क्या करें? साइन चेंज, इसका भी। सब्ट्रैक्शन का मतलब है साइन चेंज, बिल्कुल याद, सिंपल है। ये इससे कैंसिल हो गया, -1 + 20 कितना हो गया आपके पास? -1 + 20। ओहो, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, जब x को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो इसको सुधारना पड़ेगा आपको। x × 2 क्या बन गया? 2x। तो ये हो जाएगा -8x² - 2x - 1। और फिर क्या मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें? -8 मल्टीप्लाई कर दें तो ये -8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8x² - 16x हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस।
अब ये कैंसिल हो गया है, माइनस एट एक्स स्क्वायर 16x माइनस 2x 14x माइनस 1। अब ध्यान दो कि डिवाइजर जो है अब इसकी डिग्री कम हो गई, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है, जो डिवाइजर है इसकी डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो गई 1। तो डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री अगर कम हो जाए तो उसके बाद डिवाइड होना बंद हो जाता है। तो अब हम इसका डिवीजन बंद कर देंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका कोशेंट, ये कौन सा है आपका, ये है डिविडेंड, ये कौन है डिवाइजर, और इसको क्या बोला था हमने रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ये है आपका। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको इसको लिखना है तो इसको लिखने का हमारा फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो फॉर्मेट अब आप याद रखना कि वो फॉर्मेट आपका कैसा रहेगा। आपका फॉर्मेट रहेगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं आपको एक डिवीजन और सिखाता हूं, तो अगला डिवीजन देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बन जाए। इसमें हम पी एक्स को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, क्यू ऑफ एक्स से। क्यू ऑफ एक्स हमारा कितना है, क्यू ऑफ हम x को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया था हमने उसमें, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स टू द पावर 5 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, वही साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करना मैंने साइन चेंज करना, तो ये इससे कैंसिल हो गया। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस 3x टू द पावर 4 2x क्यूब और ये बन गया प्लस एक्स क्यूब, तो ये 3x क्यूब हो गया माइनस 7। अब क्या मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि माइनस 3x 4 हो जाए, माइनस 3x टू द पावर 4 के लिए इसमें माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया आपका माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर। फिर वही कंसेप्ट, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज करना, प्लस प्लस बिकम्स माइनस, ये इससे कैंसिल, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि 3x क्यूब हो जाए, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर 3x से, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x क्यूब माइनस 3x। फिर क्या करें हम, फिर वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब अगर आपके पास जगह कम है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप चालू कर दें, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और किसको डिवाइड कर रहे हैं आप, अब डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को, और अभी तक क्या आ चुका है, अभी तक आ चुका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 से, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका साइन चेंज किया प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल, 3x प्लस क्या हो गया 4। अब रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई डिवाइजर की डिग्री से, तो अब डिवीजन होना बंद हो जाएगा, अब डिवीजन स्टॉप हो गया। और फाइनल आंसर अगर आपको चेक करना हो तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड है आपका x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जो आपके पास कोशेंट आया है वो कोशेंट है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर क्या बचा आपका थ्री एक्स प्लस फोर, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्या है आपका कोशेंट है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं और केस आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊँगा, वो रिमाइंडर थ्योरम मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, आप तब तक बने रहें। आपको पिछले किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो मैंने सारे वीडियोस अपने पॉलीनोमियल के डाल रखे हैं, आप उनको चेक करिए। अब एक और केस है, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर साइन चेंज कर देंगे, ये से कैंसिल, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, अब इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आउटकम इज व्हाट जीरो। तो जब 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 रिमाइंडर जीरो हो जाता है, जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तब ये इसका डिवाइजर बन जाता है, ये क्या बन जाता है इसका डिवाइजर बनता है, और वही डिवाइजर आगे जाके फैक्टर हो जाता है, वो डिवाइजर क्या बन जाता है आगे जाके फैक्टर। तो इसका मतलब इट एक्स माइनस वन कंप्लीटली डिवाइड्स, एक्स माइनस वन कंप्लीटली डिवाइड्स दिस इक्वेशन, देयरफॉर एक्स माइनस वन इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। ये जब फैक्टर जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तब हम उस डिवाइजर को क्या कहेंगे, उस डिवाइजर को हम फैक्टर कहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।